करके देखें। पहला, निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय? पहला, वर्गमूल 81। दूसरा, ऋण वर्गमूल 625। तीसरा, वर्गमूल 11। चौथा, ऋण वर्गमूल 81/25। पाँचवा, 3.232323 .. छठवां, 5.707007007007। प्रश्न दो, वर्गमूल 5 वर्गमूल 7 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण कीजिए। 3, संख्या रेखा पर ऋण वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 5 का स्थान निर्धारित कीजिए। वास्तविक संख्याएं, यदि हम सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो क्या संख्या रेखा पर कोई संख्या बची रहेगी? नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो नया संग्रह प्राप्त होता है वे संख्या रेखा की सभी बिंदुओं को ढक लेगा। यह बड़ा संग्रह वास्तविक संख्याओं का है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणा, भाग की संक्रिया हम करते रहे हैं। हम देख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं के योग व गुणा सदैव परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या अपरिमेय संख्याओं के बीच भी संक्रिया करने पर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है? इस उदाहरण को देखिए। वर्गमूल 5 धन कोष्टक में ऋण वर्गमूल 5 बराबर 0, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 9 बराबर 3, वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 5 बराबर 1। इन सब में संक्रिया के बाद प्राप्त हुई संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणा व भाग सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। करके देखें। पहला, आप भी कुछ अपरिमेय संख्याएं लें और संक्रिया करके जांचें। दूसरा, कम से कम 5-5 उदाहरण खोजें जहां संक्रिया के बाद अपरिमेय संख्याएं न मिले। ऐसे भी उदाहरण सोचें जिनमें संक्रिया के बाद अपरिमेय संख्याएं ही मिलती हैं। अपरिमेय संख्या पहचानना, हम जानते हैं कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10 आदि अपरिमेय संख्याएं हैं, किंतु वर्गमूल 1, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9 परिमेय संख्याएं हैं। परंतु क्या 5 धन वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 ऋण 1, वर्गमूल 5/2 और ऐसी अन्य संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं हैं? आइए देखें। हम जानते हैं वर्गमूल 2 बराबर 1.414421 .. वर्गमूल 3 बराबर 1.7305 .. वर्गमूल 5 बराबर 2.23606 .. पहला, अतः 5 धन वर्गमूल 2 बराबर 6.41421 .. यह निरूपण अशांत है व अनावर्ती है, अतः 5 धन वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है। 2, वर्गमूल 3 ऋण 1 बराबर कोष्टक में 1.73205 .. कोष्टक बंद ऋण 1 बराबर 0.73205 .. अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है, अतः वर्गमूल 3 ऋण 1 अपरिमेय संख्या है। तीसरा, 3 वर्गमूल 2 बराबर
तीन गुणित कोष्टक में 1.4142 ... बराबर 4.2423 ... अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है, अतः 3√2 अपरिमेय संख्या है। चौथा, वर्गमूल 5/2 बराबर 2.23606 ... 2 बराबर 1.11803 ... अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है, अतः वर्गमूल 5/2 अपरिमेय संख्या है। इनसे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निम्नलिखित उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच योग, अंतर, गुणा और भाग सदैव अपरिमेय संख्या होती है। माना ए तथा बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो पहला, ए वर्गमूल बी धन सी वर्गमूल बी बराबर कोष्टक में ए धन सी कोष्टक के बाहर वर्गमूल बी। दूसरा, ए वर्गमूल बी ऋण सी वर्गमूल बी बराबर कोष्टक में ए ऋण सी बाहर वर्गमूल बी। तीसरा, वर्गमूल ए गुणित वर्गमूल बी बराबर वर्गमूल ए बी। चौथा, वर्गमूल ए बटे वर्गमूल बी बराबर वर्गमूल ए बटे बी। पांचवा, कोष्टक में वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी कोष्टक बंद, कोष्टक में वर्गमूल सी धन वर्गमूल डी कोष्टक बंद बराबर वर्गमूल ए सी धन वर्गमूल ए डी धन वर्गमूल बी सी धन वर्गमूल बी डी, जहां सी और डी वे धनात्मक वास्तविक संख्या हैं। छठवां, कोष्टक में वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी कोष्टक में वर्गमूल ए ऋण वर्गमूल बी बराबर ए ऋण बी। सातवां, कोष्टक में ए धन वर्गमूल बी कोष्टक में ए ऋण वर्गमूल बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी।